आपका अपना शेफ गुलजार और आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी बेक पार्लर पास्ता के साथ जो है हम बनाने जा रहे हैं स्टेक। स्टेक के साथ बहुत सारी चीज़ें सर्व होती हैं लेकिन पास्ता अगर बेक पार्लर का स्पेगेटी पास्ता वगैरह अगर सर्व किया जाए तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये रेसिपी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप जैसे कि आपको पता है कि रिवायती खाने हम बनाते हैं अपने घरों पर मुख्तलिफ किस्म के और वो हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं लेकिन रेसिपीज़ खाने के लिए हमें अगर दूर तक जाना पड़ता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना पड़ता है तो फिर मुश्किल होती है। तो आपको बेक पार्लर जो है ना मज़े मज़े की रेसिपीज़ दे रहा है जो आप अपने घर पर बना सकते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल वैसे ही चीज़ों को हाथ लगाना मना है तो ये इटालियन ऑटोमेटिक मशीनों पर तैयार करदा बेक पार्लर की प्रोडक्ट जो है वो कम से कम हाथ लगता है इंसान का और इसलिए ये आपकी सेहत के लिए आपकी फैमिली के आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं स्टेक विथ पास्ता बेक पार्लर के साथ। तो ये मैंने स्टेक का एक पीस ले लिया। अगर आप आम जो गोश्त होता है गाय का उससे अगर पीस निकालते हैं तो उसे आप थोड़ा सा पपीते का पेस्ट जो है इतने बड़े पीस के ऊपर एक टेबल स्पून पपीते का पेस्ट लगाकर दो घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसके ऊपर मैरिनेशन जो है करनी है। आप पेपर यानी कि ब्लैक पेपर हम खूब सारा इस पर लगाएंगे ठीक है और इसके साथ थोड़ा सा नमक हजब ज़रूरत नमक ऐड करेंगे ठीक है और दोनों अतराफ से उस पर हमने काली मिर्च कुटी हुई तकरीबन एक टीस्पून के करीब काली मिर्च इस्तेमाल होगी और थोड़ा सा नमक ठीक है इसको आपने इस्तेमाल कर लेना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। बस ये दो चीज़ें हमने सिर्फ ऐड करनी है स्टेक के ऊपर इसलिए कि बाद में इसका सॉस बनेगा उसके ऊपर हम इसमें जो है चीज़ें ऐड करेंगे ठीक है। चलते हैं धीमी आंच पर हमने इसको बनाना है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लें या नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल कर लें और इसके साथ टेस्ट देने के लिए आपने थोड़ा बटर तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब ये ऐड कर देना और इसके साथ स्टेक का पीस हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया ठीक है। जब तक स्टेक तैयार हो रहा है मैं आपको जो स्पेगेटी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बेक पार्लर का उसके बारे में मैं बता दूँ। तो ये स्पेगेटी हमने ली है बेक पार्लर की और इसे हमने बॉयल कर लिया है और जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि बॉयल पानी के अंदर इसमें डालना है थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लें अच्छा है तो इसमें स्पेगेटी आपने डाल दी 12 से 15 मिनट के लिए इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसे ठंडे पानी में डाला और उसके बाद इसे निकाल कर हल्का सा ऑयल लगा कर रख लें। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं वो ना लगाएं। ये देखें बिल्कुल खिले खिला जो स्पेगेटी आपको नज़र आ रही है तो इस तरह से आपने कम ऑयल लगाना है ताकि स्पेगेटी जो है बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए ठीक है। जी नाज़रीन तो ये स्टेक हमारा जो है तैयार हो चुका है और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। अब हम स्पेगेटी तैयार करेंगे और स्पेगेटी तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बटर एक टीस्पून के करीब थोड़ा सा गार्लिक ये भी एक टीस्पून के करीब चॉप और ऑयल तकरीबन ये एक टेबलस्पून के करीब ये हमने मिक्स कर दिया। बिल्कुल सादा सा बनाना है और इसमें हमने स्पेगेटी ऐड कर दी और इसे हमने टॉस किया अच्छी तरह से और आखिर में मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च हाफ टी स्पून के करीब ये ऐड कर दिया हमने। और इसे भी हमने डिश आउट कर लिया। दोनों चीज़ें तैयार हो गई। अब मैं जा रहा हूँ सॉस तैयार करने के लिए। सॉस के लिए थोड़ा सा ऑयल एक टेबलस्पून के करीब बटर एक टेबलस्पून के करीब गार्लिक चॉप एक टेबलस्पून थोड़ा सा फ्राई किया आपने
और उसमें यखनी चिकन की हाफ कप, रेड वाइन विनेगर 2 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून और ये हो गया मिक्स अच्छी तरह से। इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है क्रीम 1/2 कप। ये मेरा बेहतरीन सा स्टेक सॉस जो है वो तैयार हो गया है और आखिर में मैं इसमें शामिल करूंगा बेक पार्लर का हॉट चिली सॉस 2 टेबल स्पून। अच्छी नजर में तो ये जबरदस्त सा स्टेक सॉस तैयार है। अब हम जा रहे हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ। इसके लिए मैं लूंगा हॉट प्लेट स्टेक के लिए। हॉट प्लेट जो है वो गर्म हो चुकी है और इसे मैं यहाँ रख रहा हूँ और उसके बाद इसकी फिलिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने इस पर स्टेक ये रख दिया और इसके बाद एक साइड पर हमने पास्ता स्पेगेटी और इसके साथ कुछ फ्रेंच फ्राइज और आखिर में सॉस ऐड करेंगे इस पर। और थोड़ा पासले सेंटर पे डाल दें। जी तैयार है हमारा स्टेक विथ बेक पार्लर स्पेगेटी। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है बेक पार्लर पास्ता के साथ और बेहतरीन स्टेक जो है तैयार है। आप भी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, बेक पार्लर सेलेक्ट करें और मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपने घर पे बनाएं। बेक पार्लर की तरफ से जो एक बहुत ही मज़ेदार काम हुआ है पूरी दुनिया में पहली दफ़ा, वो ये कि जो इटालियन रेसिपीज़ को और देसी खानों को दोनों को यकजा किया है 2-in-1 के नाम से और ये जो है 26 रेसिपीज़ आप लोगों के लिए तैयार किए और आप घर बैठे मज़ेदार रेसिपीज से इंजॉय कर सकते हैं। इटालियन खानों का और देसी खानों का मिलाप बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह आज की रेसिपीज़ भी आपको पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।